नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश हुआ। रात 10 बजे इस पर वोटिंग हुई। वोट करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सदन पहुंचे। खराब तबीयत के चलते वे व्हील चेयर पर बैठकर आए थे। कांग्रेस ने इस मौके पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट की। उसे कैप्शन दिया, इंटीग्रिटी वर्सेज एस्केप, यानी ईमानदारी बनाम भगोड़ापन। भाजपा ने भी मनमोहन सिंह की तस्वीर शेयर की। इसमें पार्टी ने लिखा कि ये कांग्रेस की सनक है जो स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात व्हील चेयर पर बिठाए रखा, वो भी सिर्फ अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर भी फोटो शेयर की, लिखा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार नेता। मनमोहन सिंह की उम्र 90 साल है। अपने खराब स्वास्थ्य और उम्र के बावजूद वे खुद को संसद आने से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से नहीं रोक पाए। इसे सच्चाई और ईमानदारी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी इस देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी है, वे अब तक संसद से दूरी बनाए हुए हैं, वो भी तब जब दो राज्य की हिंसा आग में जल रही है। हालत से भागना इसे कहते हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।